आज के समाचार के मुख्य प्रायोजक हैं मेट्रो हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, दरभंगा किसान आनंद भोग आटा। नमस्कार, सी टीवी मिथिला में आपका स्वागत है। मैं लवीजा। मधुबनी जिले के कलवारी प्रखंड के अंतर्गत कलिकापुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को मोटी छड़ी दिखाकर डराया जा रहा है, जबकि सरकार ने छड़ी रखने पर पाबंदी लगाया है। विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बिहार में जिस तरह शिक्षा व्यवस्था है, क्या विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे? सरकार ने छड़ी की इस्तेमाल पर पाबंदी लगाया है, फिर भी शिक्षक सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। छात्र संघ की चुनाव नामांकन की तिथि आज समाप्त हो गई है, मतदान की तैयारी शुरू हो गई है। इलेक्शन 25 फरवरी को 8 से 5 बजे शाम तक होनी है। देखिए, लंबे अरसों के बाद, 4 दशक बाद, 40 साल बाद मिथिला विश्वविद्यालय में चुनाव हो रहा है। इसको लेकर के छात्रों में और छात्र संगठनों में एक विशेष उत्साह का माहौल है। पर अगर हम विश्वविद्यालय प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन की बात करें तो उनका कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। उनके अंदर एक उल्लास नहीं दिख रहा है। अभी तो इंटरमीडिएट का सभी जगह एग्जाम चल रहा है, आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन था, खत्म हो गया नॉमिनेशन। पर हम जो देखे, जो ये लोग किसी तरह अपना ड्यूटी निभा रहे हैं भी नहीं, कोई उधर कोई उधर। अब छात्र को 75% अटेंडेंस की बात है, उसके लिए जाना है HOD के पास, तो HOD नहीं है। अब बताइए, इतने लंबे अरसों के बाद चुनाव हो रहा है, उस स्थिति में ये माहौल कायम है। लेकिन जो समस्या है चुनाव को लेकर के, जो विभिन्न जगह एग्जामिनेशन का जो सेंटर है उसको लेकर के आंदोलन के बाद एक दिन बढ़ाया गया और आज अंतिम तिथि है। निश्चित रूप से 196,000 छात्रा मिलकर के यहाँ के विभिन्न कॉलेजों में यूनिट को चुनेगी और वो फिर यूनिवर्सिटी में आकर के यूनिवर्सिटी के बॉडी को चुनेंगे। तो निश्चित रूप से एक जो मतलब होना चाहिए छात्रों के बीच उत्साह, तो उसके लिए बहुत प्रयास यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं किया गया। बावजूद 1100-1200 के रेंज में छात्रों ने नामांकन किया है, तो निश्चित रूप से ये छात्र संघ चुनाव जो हो रहा है वो छात्र संघ चुनाव शिक्षा रोजगार के सवाल पर ये छात्र संघ चुनाव होगा। और एक जो स्थिति बन रही है कि लेफ्ट यूनिटी जो हम लोग बनाए हैं, लेफ्ट यूनिटी के पक्ष में छात्रों का गोलबंदी होना शुरू हो गया है। और मिथिला विश्वविद्यालय में यदि हमारा मजबूती से बनता है LNMU SU में यदि हम आते हैं लेफ्ट यूनिटी, तो यहाँ जो समस्या छात्रों का है जिस पर हम लगातार लड़ते रहे, उसको और मजबूती प्रदान करते हुए हम लोग यूनियन के सहारे यहाँ पे आंदोलन तेज करेंगे। विश्वविद्यालय की तरफ से छात्र संघ का चुनाव जो कराया जा रहा है, इसमें कुल मतदाता 199,200 के लगभग हैं। और आज चूंकि नॉमिनेशन का लास्ट डेट था और चूंकि ये 4 बजे तक था और सभी फिगर अभी आए नहीं है यहाँ पर, और 6 बजे तक स्क्रूटनी कर लेना है, चूंकि ये 9-10 पहले से ही टाइम शेड्यूल था जिसके कारण उन लोगों का स्क्रूटनी हो गया था। सिर्फ आज का स्क्रूटनी करके 6 बजे तक आप अपने बोर्ड पर वो लगा देंगे, तो कितने 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 वैलिड कैंडिडेट हुए वो लगा देंगे। और फिर 15 तारीख को 3 बजे तक विड्रॉ करेंगे, जो कैंडिडेट विड्रॉ करना चाहे सो विड्रॉ करेंगे। और फिर उसी दिन 4 बजे फाइनल डिस्प्ले हो जाएगा जो कौन कैंडिडेट वैलिड रहे।
और उसके बाद इलेक्शन की तैयारी चल रही है। जो शेड्यूल है 25/2/18 को 8 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक, और नेक्स्ट डे काउंटिंग है 26 तारीख को। को तो लगता है वही 25% से लेकर के 35% तक मतदान हो सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन तैयारी इस प्रकार से की है कि वो जितने भी कॉलेज हैं और चार हमारे पीजी सेंटर हैं, जो उसके हमारे इलेक्शन अफसर सारे प्रिंसिपल्स हैं या जहां इंचार्ज हैं वो हैं, और दूसरी बात यहां पीजी सेंटर पर जो चार फैकल्टी है, चारों फैकल्टी के डीन इंचार्ज हैं। के लिए सारे प्रशासन को लिख दिया गया है और प्रशासन के यहाँ से पत्र भी आ गया है, जो हम उस तैयारी में सहयोग किया जाएगा। वो चिट्ठी भी डीएम के यहाँ से आ भी गई है, दरभंगा डीएम के यहाँ से आ गई, और जगह से नहीं आई है लेकिन दरभंगा के डीएम के यहाँ से आ गई है। और हम समझते हैं कि जो अभी जो पीछे परसों जो बैठक थी प्रिंसिपल्स का, जिसमें डेट रिवाइज किया गया, जो मॉडिफाइड शेड्यूल बनाया गया, उसमें उन लोगों का भी सहयोग था, जो और उन लोगों का सहयोग हमें अपेक्षित है, सहयोग मिलेगा भी। तो जहाँ जहाँ इलेक्शन ऑफिसर है संबंधित महाविद्यालय और पीजी डिपार्टमेंट में, वो वही होगा। और जैसे पीजी में है साइकोलॉजी में है, ज्योग्राफी में है, दो जगह ह्यूमनिटी साइकोलॉजी में है, और ज्योग्राफी में सोशल साइंस है, बोटनी में साइंस है, साइंस के डीन ले रहे हैं, और कॉमर्स में कॉमर्स के डीन ले रहे हैं ये चार, और म्यूजिक का उसी में अटैच है कॉमर्स के साथ। तो ये जितने भी हैं ये चार वहाँ हैं, अब बाकी रेस्ट कॉलेज सब है। कंस्टिट्यूएंट यूनिटी जो 43 कंस्टिट्यूएंट यूनिटी है, उसके इलेक्शन ऑफिसर हैं, वो देख रहे हैं, सारी प्रक्रिया वहीं होगी। और जब काउंटिंग हो जाएगा 26 तारीख को, तो नेक्स्ट फेज जो है मेरा शुरू होगा वो 28 तारीख को इलेक्ट्रल रोल दिया जाएगा, और जिनको संशोधन वगैरह करना होगा, जो कहेंगे कि हमारा नाम छूट गया है, तो उसी दिन सेम डे ही वो भी देख लिया जाएगा, और लास्ट में सेम डे ही 28 तारीख को ही 4 बजे शाम में वो भी तैयार हो जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा। और उसका नॉमिनेशन, चूंकि होली है इसलिए होली की छुट्टी के बाद नॉमिनेशन है उसका 5 तारीख से, और उसकी सारी प्रक्रिया शुरू होगी उसी दिन से। और 9 तारीख को इलेक्शन है, और 9 तारीख को रात में हो काउंटिंग या 10 को काउंटिंग हो जाएगी विश्वविद्यालय स्तर पर जो ऑफिस बियर का चुनाव होगा 5 का उनका हो। इधर संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्र चुनाव को लेकर छात्रों में दिखा उत्साह, विभिन्न पदों के लिए किया नामांकन। क्या कहेंगे जी? हम लोग नामांकन किए हैं, जो भी कुछ बाकी है काम यहाँ का उसको उत्थान करने के लिए, जो विद्यार्थी छात्रों को जो दिक्कत हो रही है उन लोगों को समस्या का समाधान करने के लिए नामांकन किए हैं हम लोग। जो भी हमारे शिक्षा शास्त्र विभाग में जो भी गड़बड़ी है उनको सुधार के लिए, और हमारा शिक्षा शास्त्र विभाग दरभंगा ही नहीं हमारे विश्व लेवल पर जाए, इसके लिए हम लोग नामांकन किए हैं। बहुत कम है संस्कृत विद्यालय में, ये तो बहुत ही शर्म की बात है, लेकिन आगे जो है सो हम लोग प्रयास करेंगे जो छात्रों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ सके, क्योंकि संस्कृत ही से ही सब भाषा, संस्कृत सब भाषा की जननी, और संस्कृत से ही सब भाषा निकलती है। इसीलिए हम लोग चाहेंगे जो संस्कृत का बहुत से बहुत प्रचार प्रसार हो, संस्कृत में ज़्यादा अधिक छात्र जुड़े। यही है, यहाँ पर बहुत सुधार होगा और अच्छे अच्छे काम होगा और छात्र की संख्या बढ़ेगी, इसी के आगे देखा जाएगा, छात्र की संख्या बढ़नी चाहिए। इसके लिए आप अगर जीतेंगे तो क्या आपकी पहल होगी? मेरी पहल होगी व्यवस्था सुधार रही है और इसमें कुछ और सुधार होगा, यही होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुज्जल कुमार चौधरी। किस पद के लिए नाम? मैं कोषाध्यक्ष के लिए खड़ा हूँ। किस विश्वविद्यालय से? कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। शिक्षा, मैं इस विश्वविद्यालय के छात्र हूँ और शिक्षा शास्त्री विभाग से हम लोग इस बार उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन पद भरे हैं। मेरी इच्छा यही है जो हमारे विश्वविद्यालय में जो त्रुटि फूटी जो कोई व्यवस्था है उसको हम सहसम्मति से
उसको जुटाने में और उसको कार्य को आगे बढ़ाने के में हम लोग सहयोग करेंगे। और जब तक छात्र की बात यहाँ है तो हम लोग चाहेंगे जो संस्कृत विश्वविद्यालय एक प्राचीन संस्कृति है उसको और आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इससे उसके बाद हम क्या नाम है आपका? मुरारी कुमार चौधरी, उपाध्यक्ष पद के लिए प्रतिनिधि। ये तहे दिल से प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बिहार प्रदेश संस्कृत शिक्षा मोर्चा का, छात्र के विद्यार्थी मोर्चा का, संस्कृत की रक्षा के लिए, छात्रों की रक्षा के लिए, संस्कृत जगत के उत्थान के लिए मुझे मुख्य संरक्षक का भार दिया है। मैं बिहार प्रदेश संस्कृत विद्यार्थी मोर्चा के संगठन को मैं सांगठनिक चुनाव में मेरा उद्देश्य है कि बिहार के तमाम कॉलेज में 5 सीट जीत करके आवे। विश्वविद्यालय में अध्यक्ष से लेकर के महासचिव, सचिव से लेकर को जितने भी पदाधिकारी हैं सारे मोर्चा का संगठन के सदस्य बन के आवे और संस्कृत विश्वविद्यालय की रक्षा के लिए छात्रों की आवश्यकता है यहाँ कि विश्वविद्यालय संस्कृत कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय है। इसमें संस्कृत पढ़ने वाले छात्र का काफ़ी हरासमेंट रहा है। कभी जो है संस्कृत के उत्थान के लिए विद्यार्थी के भी शिक्षक जो है सिर्फ दरमाहा उठाते हैं, सिर्फ दरमाहा उठाने का काम करते हैं और पढ़ाने के लिए तत्पर नहीं है। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के कुलपति जो भी आए, सारे कुलपति चेयर कुलपति रहे, चेयर पर्सन रहे, परीक्षा नियंत्रक परीक्षा से संबंध से मतलब रखते हैं, अपने पेट पूजा से संबंधित रखते हैं। और विश्वविद्यालय की रक्षा के लिए जो छात्र रीढ़ होता है यूनिवर्सिटी का, कोई भी संस्कृत विश्वविद्यालय में कोई भी प्रशासक और वर्तमान प्रशासक वही काम करती है जो विगत दिनों से चलती आ रही है। यह कोई नहीं यह चाहता है पैसे धर्महा उठाना, पैस कागजी काना पूरी करना, लेकिन छात्र के लिए विश्वविद्यालय कुछ नहीं करता है। और लगेगा आप जब कॉलेज की ओर मुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि कॉलेज एक निमित्त मात्र, एक चदरा का घर कहीं है, कहीं तो घर भी नहीं दिखाई देगा। स्थिति इतनी भयावह है, 2-4, 10% 10 कॉलेज ऐसे हैं मैक्सिमम जो कॉलेज में कॉलेज रूप दिखाई देगा, जो कॉलेज है लेकिन अगर विद्यार्थी क्लास की ओर अगर आप मुड़ेंगे तो पता चलेगा कि विद्यार्थी नगण्य है। सिर्फ टीचर विद्यार्थी के रूप में बैठे हुए कुर्सी पर दिखाई देंगे, छात्र नहीं दिखाई देंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय के अगर साहित्य विभाग से लेकर क्षेत्र विभाग से लेकर धर्मशास्त्र विभाग से लेकर जिस संकाय में आप जाके देखें, छात्र आपको नगण्य मात्र मिलेंगे। सिर्फ कोरम पुराने का मान्यता बचे, 60 विद्यार्थी कम से कम हो, इसके लिए 60 विद्यार्थी ये लोग हायर करते हैं कहीं ना कहीं से। सच्चाई यही है, इसके लिए कोई नहीं आवाज बुलंद करता है। लेकिन मेरा संस्कृत संगठन का मोर्चा विद्यार्थी के लिए जुटाने के लिए, संस्कृत के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी और विद्यार्थियों को संस्कृत के प्रति आकर्षण करने का काम करेगी। क्या नाम है आपका? अंजित चौधरी। एलएनएमयू से संबंधित समस्तीपुर स्थित सर कबीर कॉलेज के शिक्षा कर्मियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी परिसर स्थित धरना स्थल पर बेमियादी धरना शुरू किया। मांगे पूरी नहीं होने पर 15 से शुरू करेंगे भूख हड़ताल। संतावन ए के द्वारा प्रभारी नियुक्ति का आदेश विश्वविद्यालय ने दिया था सिंडिकेट के आलोक में, जिसका पालन अभी तक वहाँ शासी निकाय सचिव जो है अधूरे शासी निकाय वो नहीं किया है, जिसके अंतर्गत हमारा चयन समिति, अनुदान भुगतान और पद सृजन का काम सब बाधित पड़ा हुआ है। समय निर्धारित है 30/3/18 मेरा समय खत्म हो जाएगा, ये सब उसी के फिराक में लगा हुआ है कि इन लोगों का समय खत्म कर दिया जाए। अतः हमने धरना के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से जारी कर रहे हैं जो 15 तारीख से हम कर रहे हैं। इसमें यही कहना है कि आप जो आदेश दिया है सचिव निकाय को, आपका जो आदेश का मानना हो रहा है इसको पालन करवाइए सचिव से, बस यही हमारा पूर्ण अनुरोध है कुलपति महोदय से कि भाई अपने आदेश का पालन करा। देश के A1 ग्रेड में सुमार दरभंगा जंक्शन पर यात्री सुविधा को लेकर नवनिर्मित पूछताछ काउंटर की हुई शुरुआत। नए पूछताछ काउंटर में कुल
5 विंडो बने हैं, इसमें से 2 काउंटर पूछताछ के लिए है, जिससे यात्री ट्रेनों के बारे में जानकारी ले सकेंगे। इसके अलावा एक काउंटर यात्री विश्रामालय बुक करने के लिए भी है, इससे यात्री ट्रेन के लेटर टीफी होने पर विश्रामालय बुक करवा कर आराम कर सकेंगे। इसके अलावा यात्री प्लेटफॉर्म टिकट भी यहां से ले सकेंगे। इसके अलावा 2 विंडो को आपातकाल के लिए रखा गया है, जैसे होली, छठ आदि में यात्रियों की स्टेशन पर अधिक भीड़ होती है, ऐसी स्थिति में इन 2 काउंटर पर भी कर्मियों को बैठाया जाएगा। गौरतलब है कि कई वर्षों से यात्रियों की ओर से पूछताछ केंद्र को व्यवस्थित जगह पर शिफ्ट करने की मांग की जा रही थी, क्योंकि प्रवेश द्वार के ठीक किनारे स्थित रहने के कारण पुराने पूछताछ केंद्र पर भी भीड़ की स्थिति में यात्रियों की आवाजाही में कठिनाई होती थी। इंडियन रेलवे का प्रोग्राम है सभी 1 क्लास स्टेशनों को डेवलप करना, बेहतर से बेहतर सुविधा यात्रियों को प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। चूँकि हमारे इलाके का ये समस्तीपुर डिवीजन में दरभंगा स्टेशन A1 स्टेशन है, इसलिए यात्रियों की सुविधा के लिए नया इंक्वायरी खोला गया है। उसमें जो भी नया टेक्नोलॉजी से साधन उपलब्ध होंगे हमको, उसके द्वारा सभी यात्रियों को इंक्वायरी की सुविधा, रिटायरिंग बुकिंग की सुविधा, प्लेटफॉर्म टिकट की सुविधा, इसके अलावा और भी जो सुविधा नया मिल सकता है वो देने की व्यवस्था की जाए। काउंटर्स बढ़ाए गए हैं, अलग अलग काउंटर कर दिए गए, लाइन लगाने में भीड़ अब नहीं लगती है पहले के मुकाबले, पहले जिस तरह कंजेस्टेड था अब नहीं हो पाया। यानी यात्री से लेकर यहाँ पे वर्कर सभी को सुविधा हो रहा है इसमें? हमारी तरफ से तो सभी सुविधाओं का दिया जा रहा है, यात्री की सुविधा खुद ज़्यादा बयान कर सकते हैं इस बारे में कि उनको कितनी सुविधा, काउंटर की संख्या बढ़ाई गई निश्चित तौर पर उनको सुविधा होगी। शिवरात्रि को लेकर मंदिरों को सजाया गया है। मिथिला का धाम कुशेश्वर स्थान में बाबा कुशेश्वर को पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। दरभंगा जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाबा कुशेश्वर का शिव मंदिर। शिव भक्तों द्वारा इसे मिथिला का बाबा धाम भी कहा जाता है। वैसे तो सभी दिन शिव भक्तों का आना जाना होता है, लेकिन शिवरात्रि और सावन के महीने भी शिव भक्तों का रेला उमड़ जाता है। लोग सुबह से ही बाबा कुशेश्वर नाथ को जल अर्पण करने पहुँच जाते हैं। बताया जाता है कि उत्तर बिहार और नेपाल के पड़ोसी जिले के अलावा पश्चिम बंगाल और झारखंड से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ऐसी मानता है कि बाबा कुशेश्वरनाथ अंकुरित महादेव हैं। ऐसी मानता है कि बाबा कुशेश्वरनाथ से जो भी भक्त सच्चे मन से मौनती मांगते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। कोसी नदी के किनारे बसे कुशेश्वर स्थान, इसे उत्तर बिहार का प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि मधेसी के महादेव हैं। यह कामना लिंग भी है। बाबा कुशेश्वर धाम के लिए कई मान्यताएं हैं, उनमें से एक यह भी है कि सैकड़ों साल पहले इस स्थान पर कुश का घना जंगल हुआ करता था। जंगल में चरवाहे पशु चराया करते थे। जंगल में बाबा स्वयं प्रकट हुए थे। लगभग 19वीं सदी में रामपुर रैता गांव के एक चरवाहा खागा हजारी ने सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन किए। दरअसल उसने देखा कि दुधारू गायों का दूध एक स्थान पर गिर रहा है। उसने यह बात गांव के लोगों को बताई। कहा जाता है कि उस स्थान पर जब खुदाई कराई गई तो वहां एक शिवलिंग मिला, तभी से वहां पूजा अर्चना होने लगी। बाबा स्वयं प्रकट होने की वजह से ही उन्हें अंकुरित महादेव कहा जाता है। धीरे धीरे बाबा कुशेश्वर स्थान की प्रसिद्धि पूरे मिथिला में फैल गई। आए दिन मंदिर में उत्तर बिहार, नेपाल, बंगाल, झारखंड के शिव भक्तों में लोकप्रिय हैं। साल 1902 में पहली बार यहां ग्रामीणों के सहयोग से फूस का मंदिर बनवाया गया। वर्तमान मंदिर साल 1970 में स्थानीय व्यापारियों के दान की राशि से बनवाया गया। कुशेश्वर स्थान बाबा के दर्शन के लिए सावन में सबसे अधिक लोग जुटते हैं। यहाँ हर साल 5 लाख से ज़्यादा लोग दर्शन करने और जलाभिषेक करने आते हैं। और जो छथिन ना से रामचंद्र जी के लड़का लव कुश जो छलखिन, कुश आबिक एहिठाम पूजा कयने छथिन। तो कुशक ईश्वर तैं कुशेश्वर ई हरेक युगमे छथिन। अखन कोसी के तट परमे छथिन कोसी के ईश्वर तैं कुशेश्वर। ई बाबा कुशेश्वर कामना लिंग छथिन
और एठा जे एक बेर आबे छे ओकरा मन पूरा होय छे फेर पुनः ओकरा आबे पड़े छे दरबार में। ई बाबा कुशेश्वर विश्वनाथ विश्वनाथ के कुशेश्वर के बाद ई कुशेश्वर भेलखिन। हिनकर स्थापना द्वारिकाधीश में कुशेश्वर के पूजा जहन होय छे तखने द्वारिकाधीश के पूजा होय छे। ई कुशेश्वर उत्तर बिहार में मिथिलांचल के प्रसिद्ध महादेव कहल जाय छन। ई मवेशी लऽ के आ परम्परादित रिवाज छलै जे मवेशी के महादेव हिनका कहल जाय छलनि आ कामना लिंग कहल जाय छलै। घृत चढ़बै लए दूध चढ़बै लए जिला जिला के लोक ओतऽ आबैया और ई महादेव हजारों वर्ष पहले से उपरांत छथिन। हिनकर उपरांत खगा हजारी वंश होरलकनि मिथ दरभंगा हिरणी के चौधरी परिवार हिनका जमीन देलकनि शिवोत्तर देलकनि ब्राह्मण पंडा जी के राखलकनि और मिथिला के प्रसिद्ध मंदिर हिनका कहल जाय छै आ ई कामना लिंग सब प्रसिद्ध छथि। ताहि दुआरे हम विशेष बात की कहब इएह बात शत्रुघ्न झा वो सबका ख्याल रखती है, हर कदम पे साथ निभाती है, जिंदगी को खुशियों से सजाती है और अपने सपने भी सच करना चाहती है। ये है आज की नारी सर्वगुण संपन्न। जैसे आनंद भोग आटा बेहतरीन गेहूं से बना, घर में पिसे आटे जैसा शुद्ध, सेहतमंद और स्वादिष्ट। आनंद भोग आटा है सर्वगुण संपन्न। जो पेशेंट कलकत्ता बनारस दिल्ली बहुत सारे पेशेंट जाके इलाज कराते थे, वो सारी सुविधाएं पहली बार हम लोगों ने नॉर्थ बिहार में हमारा जो पहला ऐसा सेंटर है जो सारी सुविधाएं यहाँ पे दे रहा है और हम कहेंगे कि उससे ज़्यादा सुविधा हम लोग दे रहे हैं। 52, 53, 54 ईयर्स की पेशेंट है जो पहली बार लाइफ में माँ बनी है, अभी डिलीवरी करा के गई है। कृत्रिम गर्भाधारण टेस्ट ट्यूब बेबी इक्सी शिक्राणु की जटिल समस्याओं का सफल उपाय पुरुष वाजपेयी हेतु परामर्श एवं इलाज दशवंदी को खोलना फैलोपियन ट्यूब को खोलना अंडे बनाने के लिए अंडाशय का उपचार हिस्टेरोस्कोपी द्वारा बच्चेदानी में पर्दे हटाने या बच्चेदानी के आकार को ठीक करने की सुविधा ओवेरियन सिस्ट रसौली निकालना बच्चेदानी निकालना मेट्रो हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बाकरगंज दारू भट्टी चौक से आगे बिहार टेंट हाउस के बगल में लहरिया सराय दरभंगा। फैंसी स्टोर एंड बसीर बेल्ट बैग हाउस यहां सभी प्रकार के बैग बेल्ट टोपी चश्मा घड़ी लेडीज एंड जेंट्स पर्स रुमाल चाबी रिंग होलसेल रेट में मिलती है और यहां सभी तरह के गिफ्ट कैरम बोर्ड बैट बॉल एवं खेल संबंधित सारे सामान भी होलसेल रेट में मिलती है। पहला पता सुभाष चौक टावर दरभंगा, दूसरा पता नाका नंबर 5 नेशनल सिनेमा रोड दरभंगा। कांटेक्ट करें 8709060573। सेंट्रल पब्लिक स्कूल बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पता BMP 13 सोनजी रोड दरभंगा एवं दूसरा पता सत्संग नगर भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। यहाँ कंप्यूटर क्लास साइंस लैब डांस म्यूजिक खेल ट्रांसपोर्ट पीने योग्य पानी और CCTV कैमरे की व्यवस्था है। यहाँ हॉस्टल की सुसज्जित सुविधा है। संपर्क करें फर्स्ट ब्रांच BMP 13 सोनजी रोड और सेकेंड ब्रांच भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। धर्मेंद्र वीडियो कैमरा एंड वीडियो मिक्सिंग लैब पता बाजितपुर मिल्कीचक दरभंगा। यहाँ प्रत्येक शुभ अवसर पर HD वीडियो रिकॉर्डिंग DSLR फोटोग्राफी करिश्मा एल्बम साउंड और DJ ट्रॉली लाइट डेकोरेटिंग एवं वीडियो मिक्सिंग भी किया जाता है। संपर्क करें बाजितपुर मिल्कीचक दरभंगा। कॉन्टैक्ट नंबर 9304520139।